नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मिशन इम्पॉसिबल की MI7 12 जुलाई को रिलीज हो गई है। यह मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 7वीं फिल्म है, जिसमें हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज एक बार फिर खतरनाक स्टंट्स करते नजर आएंगे। फिल्म की मेकिंग कोरोना के चलते 2 साल तक अटकी रही, लेकिन मेकर्स ने पहले ही फिल्म का $100 मिलियन यानी कि 823 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस करा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें $5 मिलियन यानी कि करीब 41 करोड़ रुपये का हर्जाना इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। आइए जानते हैं क्या होता है फिल्म का इंश्योरेंस। बॉलीवुड ट्रेड एक्सपर्ट्स अतुल मोहन के मुताबिक फिल्म मेकिंग के दौरान किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। आमतौर पर फिल्म इंश्योरेंस को प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन कंपनी का मालिक लेता है, ताकि फिल्म मेकिंग के दौरान अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, सेट जल जाए या कोई अनहोनी हो जाए, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी से हर्जाना मिल सके। किसी भी फिल्म में काम करने से पहले एक्टर्स का खुद का इंश्योरेंस तो रहता ही है, लेकिन उस फिल्म में काम करने के दौरान वो मूवी का इंश्योरेंस भी कवर्ड रहता है। फिल्म की कास्ट के अलावा हर क्रू मेंबर भी इसमें कवर्ड रहते हैं। फिल्म इंश्योरेंस के अलग अलग पैकेज होते हैं। हर फिल्म के हिसाब से टेलर मेड पैकेज बनता है और अलग अलग इंश्योरेंस कवर करके एक पैकेज बनाया जाता है। लेकिन अब बॉलीवुड में भी फिल्म इंश्योरेंस ने काफ़ी तेजी पकड़ी है। फिल्म मेकर छोटे बजट की फिल्मों से लेकर फीचर फिल्मों, विज्ञापनों, डॉक्यूमेंट्री, OTT वेब सीरीज, TV शोज तक के इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मौजूदा समय में OTT प्रोजेक्ट्स के कई इंश्योरेंस में तेजी आई है। 100 करोड़ से ज़्यादा का बीमा किया जा रहा है। OTT सीरीज फॉरगॉटन आर्मी का 120 करोड़ का इंश्योरेंस था। फिल्म बाहुबली का 200 करोड़ का इंश्योरेंस था। ज़्यादातर फिल्मों में बीमा राशि 10 से 100 करोड़ तक की होती है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोड्यूसर के बजट पर निर्भर करता है। हीरो हीरोइन और क्रू के अलावा इक्विपमेंट्स का भी अलग से इंश्योरेंस किया जाता है। फिल्म में काम करने वाले कलाकारों, क्रू मेंबर्स या सेट के अलावा किसी फिल्म प्रोडक्शन में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स का भी इंश्योरेंस किया जाता है, जैसे कैमरा, ट्राइपॉड, लाइट्स, स्टेबलाइजर, इन सब का भी इंश्योरेंस किया जाता है। अगर फिल्म मेकिंग के दौरान ये इक्विपमेंट्स चोरी हो जाएं, टूट जाएं या खो जाएं, तो पॉलिसी में कवर मिलता है। ये पॉलिसी किराए से लिए गए इक्विपमेंट्स को भी कवर करती है। वैसे बॉलीवुड में 1998 में इस ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी थी। सुभाष घई की फिल्म ताल पहली ऐसी फिल्म थी जिसका 12 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया गया था। पिछले साल आई ब्रह्मास्त्र का 380 करोड़ और हाल ही में आई फिल्म आदि पुरुष का 180 करोड़ का बीमा करवाया गया था। वैसे सिर्फ फिल्में ही नहीं, स्टार्स अपनी बॉडी पार्ट्स का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। हॉलीवुड में स्टार्स के बीच बॉडी पार्ट्स के इंश्योरेंस का भी ट्रेंड है। स्टार्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने सबसे खूबसूरत अंगों को सुरक्षित रख पाएं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। इसके लिए ये स्टार्स मिलियन नहीं बल्कि $1 बिलियन भी खर्च करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। फेमस हॉलीवुड सिंगर, एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर मारिया कैरे ने 2016 में अपने खूबसूरत पैरों के इंश्योरेंस के लिए $1 बिलियन खर्च किए थे। सिंगर मारिया कैरे ने अपने पैरों का 8,241 करोड़ रुपए में बीमा करवाया था। एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स के स्माइल की तारीफ की जाती है, यही वजह है कि उन्होंने इसके इंश्योरेंस में $30 मिलियन खर्च किए थे। इसी तरह कई सेलेब्स ने अपनी वॉइस, जीभ, आंखें, हिप्स, फुल बॉडी का इंश्योरेंस तक करवाया हुआ है। फिल्मों के इतिहास में सबसे बड़ा इंश्योरेंस क्लेम 2014 में फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के लीड स्टार पॉल वॉकर की जान चली गई थी, जिसके बाद यूनिवर्सल स्टूडियो ने इंश्योरेंस कंपनी से $50 मिलियन का हर्जाना मांगा था। ये फिल्मों के इतिहास में सबसे बड़ा इंश्योरेंस क्लेम था। इसी बीच हम आपको बता दें कि मिशन इम्पॉसिबल के पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। टॉम क्रूज की पिछली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट 2018 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी। उस हिसाब से देखा जाए तो नए पार्ट ने कमाल का कलेक्शन पहले दिन जुटाया है। मिशन इम्पॉसिबल 7 नॉर्थ अमेरिका में 85 से 90 मिलियन डॉलर यानी लगभग 698 से 740 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन कर सकती है। इस हिसाब से अपनी रिलीज के शुरुआती 5 दिनों में ही इसका अंतर्राष्ट्रीय कलेक्शन लगभग $160 मिलियन यानी कि 1,313 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसी के चलते फिल्म की ग्लोबल ओपनिंग $250 मिलियन यानी कि लगभग 2,051 करोड़ रुपए की हो सकती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।